आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो आपका चैप्टर 6 है, क्लियर है। चैप्टर 5 तक ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे आ रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। होम पेज पे जब जाओगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो 5th चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड बातें होंगी अभी, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बातें हम पिछले 2 चैप्टर से कर रहे हैं। मैग्नेटिक फैक्टर इलेक्ट्रिक करंट में भी की थी और फिर हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी की थी, लेकिन यहाँ पर हम जो देखेंगे वो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का नया चैप्टर। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपन का न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप लोगों ने थोड़ा 10th में भी सुना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता था, याद आ रहा है ना। ये वाली बात तो थोड़ी सी 10th में भी की थी, जो मैग्नेटिक फैक्टर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था उसमें भी थोड़ी सी बात यही थी। जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है, और वहीं पर हमने पढ़ा था उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले जो हमें टर्म समझने की ज़रूरत है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। यानी आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका किसी भी सरफेस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से क्रॉस कर रही है वो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आपको बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो अपन के पास ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, एक निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं परपेंडिकुलरली। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से निकल रही हैं और ये आपका कोई एक सरफेस एरिया है, जैसे कि ये सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा निकलेंगी या कहो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो सरफेस किस में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही होंगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना पड़ेगा ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे तभी तो चेक करोगे कि इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, ठीक है। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, यानी इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, वो भी कैसे, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये सर्फेसेस के परपेंडिकुलर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने क्या बोला मेरे भाई, हमने बोला किसी भी सरफेस एरिया को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस सरफेस एरिया में से जितनी लाइंस परपेंडिकुलरली जाएंगी, यानी इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी, किसके साथ, इस एरिया के साथ, इस प्लेन के साथ, इस सरफेस के साथ, तो हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना जाके किसी एंगल पर हो, या मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही है लेकिन ये हमारा इस तरीके से हो, ये परपेंडिकुलर ना हो, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि इसको जो मेजर करते हैं वो मेजर कैसे करते हैं, वो मेजर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि सरफेस एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने की बात क्या है समझते हैं, पहले ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो 3 डायग्राम है मेरे भाई। अब 3 डायग्राम में एक चीज देखना कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये तो सेम वही वाली बात है कि इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है और जो ये है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। और आप एक बात जानते हो कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो होता है पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया जो वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन लिया जाता है वो एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लो ये अपन का एरिया है, ये अपन का एरिया है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा।
क्या होगा? परपेंडिकुलर, या तो इस तरफ या इस तरफ। इस एरिया का जो आपका क्या होगा डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से समझना, मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे कहो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है इस सरफेस एरिया के, कोई दिक्कत? पहली बात तो कैसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया के क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बना रही है। या फिर अपनी बात को ऐसे कहो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो है। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कभी तो बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है और कभी बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरिया है। तो पहले समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है इस सरफेस एरिया के, इस सरफेस एरिया के, ध्यान से समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर किसके? इस सरफेस एरिया के। लेकिन किसके पैरेलल है? इस सरफेस एरिया के डायरेक्शन के। चूंकि इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ जा रही है, अगर बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो थीटा जीरो। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर और इस एरिया का डायरेक्शन भी इधर, तो भैया वो भी इधर और ये भी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना होना? जीरो। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस एरिया के बीच में एंगल जो है, इस सरफेस एरिया के, तो वो 90 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी बात को कहने का तरीका है, या तो कहो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के अलोंग है, या कहो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हो गया ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से? तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि अपन का देखो ये सरफेस एरिया है, कहने को तो ये परपेंडिकुलर है भैया, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर है? एन कैप इधर है, तो ए ये भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो थीटा जीरो। तो पहला तो ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स का केस। कैसे मैक्सिमम फ्लक्स का? क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, जितने भी एरिया में से नंबर ऑफ लाइन्स पास करें। आगे अब मान लो अपन का सरफेस एरिया है ये, सरफेस एरिया है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं ऐसे, और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी उस एरिया में से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली तो छोड़ो, सरफेस एरिया को टच भी नहीं कर रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये है और सरफेस एरिया इधर है, तो अब सरफेस एरिया इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैंने क्या बोला था, किसी भी सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलरली होता है, तो इसका जो सरफेस का डायरेक्शन है वो हो गया इधर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा 90। ठीक है, किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस की, तो इसके बीच में थीटा है जीरो, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया। लेकिन मैं थीटा जीरो वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी बात होगी इस चैप्टर के अंदर, यानी जो थीटा लिया जाएगा, जो एंगल लिया जाएगा, वो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का ही लिया जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ चीजें, कि भाई एक तो मैं मेजर कर रहा हूँ सरफेस के साथ बातें, और एक मेजर कर रहा हूँ इस सरफेस के डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ, तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सरफेस के डायरेक्शन की, एरिया वेक्टर की, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि सरफेस एरिया नहीं, यहाँ बात करते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था उसे मैं थीटा मानता हूँ, वो जीरो था। यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 है। ठीक है, तो दो केस हो गए, एक में तो थीटा जीरो, एक में थीटा 90। एक और केस आता है जिसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी जा रही है, 1 2 3 4 ऐसे जा रही हैं, लेकिन जो एरिया है वो परपेंडिकुलरली ना होके ऐसे किसी ने मोड़ के रख दिया, तो भाई सीधी सी बात है, जब ये चीज ऐसे होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होगी ऊपर वाली। अब ये चीज जब ऐसे हो जाएगी तो भैया अब कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसमें से क्रॉस कर ही नहीं रही, तो यानी फर्क आएगा, क्योंकि भाई खुद सोचो ना कि जब ये परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से होते हुए जा रही है, अब ये आपने क्या कर दिया, टिल्टेड कर दिया, तो अब कहाँ क्रॉस करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सीधी निकल गई, क्रॉस नहीं किया, तो किसी एंगल पर है। तो हम बात करेंगे कि जब किसी एंगल पर हो तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात क्लियर है? तो जो अब बात होगी वो एक जनरल बात होगी किसी भी एंगल पर, यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। क्या होगा मेरे भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। जनरल फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस था भाई, हमेशा तो परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं भाई, जो सरफेस है हमेशा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर, वो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं, और हमेशा पैरेलल नहीं मिलेगा, तो हमने एक जनरल ले लिया कि किसी एक एंगल पे। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं बी ए कॉस थीटा, इससे सारे कंडीशंस सारी फुलफिल हो जाएंगी। नंबर वन, पहला इन्होंने क्या बोला था कि भैया एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यानी थीटा जीरो। थीटा कितना? जीरो। तो लगा देते हैं कॉस जीरो, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी ए। कितनी आ जाएगी फाई की वैल्यू? बी ए आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इसीलिए बोला गया था यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, या फिर ऐसे बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। वो देख के पता चल रहा है फाई इक्वल्स टू बी ए, जनरल है। अब इस वाले की बात कर लेते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो तो इस तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, तो क्रॉस तो किया ही नहीं भाई। हमारी तो कंडीशन ये थी ना, सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रहा मैग्नेटिक, वो सरफेस एरिया ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, भैया क्रॉस ही नहीं किया। तो हमने देखा कि भाई सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, थीटा कितना? 90। हमने भैया वैल्यू पुट की बी ए कॉस 90, और हम जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो यहाँ से फाई निकल आया जीरो, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, जीरो फ्लक्स, इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने? जीरो फ्लक्स। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे, तो इसमें तो लगी जाएगा बी ए कॉस थीटा, जितना एंगल अपुट कर दो, क्लियर है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ आ गया, तो आपको बस एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है फाई कस टू बी ए कॉस थीटा। सारे जो स्पेशल केस हैं कि भाई अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर पैरेलल है तो, ठीक है किसी एंगल पर, तो सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सर्फेस एरिया एंड द सर्फेस एरिया। ये तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, उसके क्या होता है? नॉर्मल होता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये याद ध्यान रखना कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। डिनोटेड बाई फाई बी और फाई बी या फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपल या तो फाई लिख दो या फिर फाई के साइड में बी लिख दो, चॉइस आपके। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि खुद सोचो ना स्केलर क्वांटिटी कैसे है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम तो बात ये कर रहे हैं कि किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी लाइन क्रॉस की, एक दो तीन चार। अब भैया चार लाइन चाहे ऐसे क्रॉस कर जाएं चाहे ऐसे क्रॉस कर जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो नंबर ऑफ लाइन से फर्क है। नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लाइन कम होंगी फ्लक्स कम होगा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है आगे बात करते हैं। अब आगे बात आती है, इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पासिस नॉर्मली थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास कर रहा है किसी भी सरफेस एरिया से, जो अभी वाला केस था, किसी भी सरफेस एरिया से कैसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्मली पास कर रहा है, या फिर ऐसे कहो कि इसके एरिया वेक्टर के अलोंग पास कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, या कहो इस सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो फाई इक्वल्स टू बी ए आएगा। वो तो मैंने अभी भी समझा दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कितना आएगा, बी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है भाई, आगे, इफ द फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया ए, देन, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, जैसे मान लो ये अपन का एक सरफेस एरिया है, ठीक है ये अपन का क्या है, एक सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अगर इसको, जैसे सरफेस एरिया ये है, ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर ऐसे परपेंडिकुलर रखा है तो सीधी सी बात है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, ये वाला होगा, क्योंकि हमने बात की कि कोई भी सरफेस एरिया होता है इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी ना जाके ऐसे क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में क्या हो गया, कुछ ना कुछ एंगल हो गया। एंगल कितना माना मैंने? थीटा माना।
तो ये कह रहा है कि अगर अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर फॉर्मूला बता दूंगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, बात खत्म। कॉन्सेप्ट इतना है। क्या बोला, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलोंग होना चाहिए, एरिया वेक्टर के, बस उसी को हम कंसीडर करते हैं, बाकी का मैग्नेटिक फील्ड जाए बाढ़ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, इधर वाला बी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो समझ में आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बी साइन थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, और हमें परपेंडिकुलर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग हो, बात खत्म। अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे भाई सरफेस एरिया था, ये सरफेस एरिया अगर ये था आपका तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये था, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ये था, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा एरिया वेक्टर के अलोंग था, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी ना कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग था। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई इक्वल टू क्या बोल दिया था, बी ए बोल दिया था, लेकिन चूंकि बी एक एंगल पर है, चूंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल पर है, मैंने कंडीशन क्या बोली, मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करूंगा जो मेरा एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, एरिया वेक्टर के अलोंग कैसे निकालूं मैं, इसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल से मुझे मतलब नहीं, मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो ए के अलोंग आ रहा है, जो ए के हिस्से में आ रहा है, जो ए के डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितना जा रहा है बी कॉस थीटा। तो हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइव कॉस टू आ गया बी ए कॉस थीटा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सीधी सी बात है जिधर भी एरिया हो, आपका ये एरिया है, एरिया इस अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग वाला कंसीडर होगा। आपने सरफेस एरिया ऐसे रखा, एरिया वेक्टर ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग वाला कंसीडर होगा। आपने सरफेस एरिया को ऐसे उल्टा रख दिया, इसका परपेंडिकुलर है इस तरफ, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन के अलोंग वाला ही कंसीडर होगा, बस बात खत्म। ठीक है, लेकिन आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, आपको तो सीधा सा फॉर्मूला मिल गया फाइव कॉस टू बी ए कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा में जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हो दो वेक्टर का जब कॉस थीटा होता है मल्टीप्लाई, तो हम उसे क्या रखते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात करी ली कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट क्या होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे पीछे, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, डब्ल्यू ई बी ई आर वेबर। ठीक है, डब्ल्यू बी भी लिखते हैं, और टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर तो यहीं से आ गई बी क्रॉस ए, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है एरिया की, मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो क्लियर है आपका, या वेबर लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है। आगे अब बात आती है कि भाई वन वेबर से आप क्या समझते हो कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वन वेबर कब होगा। आप देखो यहीं से देख लेता हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा वन हो जाए, वन टेस्ला, और एरिया मेरा वन मीटर स्क्वायर हो जाए, आप भाई फॉर्मूले को देखो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कि वन वेबर कब होगा, वन डब्ल्यू बी, मैग्नेटिक फ्लक्स वन वेबर को मुझे डिफाइन करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा वन वेबर कब होगा, जब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी है उसकी वैल्यू वन रख दे कोई, और जो मेरा एरिया है उसको वन रख दे, तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स वन वेबर आएगा। तो अब डेफिनेशन सुन लो, फॉर्मूले से ही आएगी, वन वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, या वन वेबर इज द फ्लक्स, वन वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टेस्ला एक्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर। यानी वन वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जब आपका वन टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वन मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पर जाएगा, तो आप कहोगे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वन वेबर है। क्लियर है? फिर से समझाता हूं, अगर वन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका वन मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया से होते हुए निकलेगा
तो हम कहेंगे उस जगह पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा वो 1 वेबर का है या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर का है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट करना हो नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट क्लियर हो गई, ऐसा यूनिट क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है, ठीक है। आगे अब आपसे बात की गई है सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट ऑफ वो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है मैक्सवेल, ठीक है। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या है, जब डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो, ठीक है, टाइम सेकंड में हो, तब जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट की बात करते हो मैक्सवेल होती है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि मैक्सवेल और वेबर दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए तो आपका जवाब वेबर ही होगा, यानी WB होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यूनिट पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि मैक्सवेल भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट तो मीटर होती है, पर डिस्टेंस को मीटर में भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं, किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर में भी बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर में बोल सकते हैं, नैनोमीटर में बोल सकते हैं, पिकोमीटर में भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात आती है तो डिस्टेंस सिर्फ मीटर में बोला जाता है। तो सेम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात आए तो आप मैक्सवेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 मैक्सवेल क्या होगा, 1 मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस। चूंकि ये सीजीएस यूनिट है तो सीजीएस यूनिट में डिफाइन होगा। तो यहां क्या बोला कि 1 मैक्सवेल हमारा वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अगर 1 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो टेस्ला है, बट मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है जिसको हम गॉस बोलते हैं, क्लियर है। तो 1 गॉस नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सीजीएस यूनिट है तो एरिया और डिस्टेंस किस में होंगे, सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। तो यहां मैंने मेंशन भी कर दिया है कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10^-4 टेस्ला। अगर आपको समझने प्रॉब्लम हो रही हो तो वहां बोला गया था 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, यहां बोला गया 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। तो 1 गॉस को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, कितना होगा, 10^-4 टेस्ला, क्लियर है। और 1 वेबर होता है 10^8 मैक्सवेल अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है। तो 1 वेबर इक्वल्स टू याद रखना 10^8 मैक्सवेल, क्लियर है, या 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10^-8 वेबर, क्लियर है। आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक है भाई। बस एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, 2 मिनट। ऑलरेडी 5 चैप्टर तो आ ही रखे हैं भाई, मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं बोला कि यार सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं कमेंट की बार बार पता है क्यों बोलता हूँ, कमेंट इसलिए नहीं बोलता तुम अच्छा बोलो मेरे बारे में, कमेंट बस मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे जेन्युइन फीडबैक तो पता चले। देखो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी चॉइस है, उसमें मैंने कभी नहीं बोला कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं बोला ना, ना मैं बोलता। लेकिन कमेंट को पता फोकस क्यों करता हूँ बार बार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कमेंट से पता चलता है जेन्युइन फीडबैक। अब एक बच्चा था, उसने गलती निकाली थी उस दिन, मैं एक वो निकाल रहा था 6-4 करके आई थिंक कुछ था, (10^3) था, ठीक है, ऐसे करके एक कैलकुलेशन थी। हालांकि आंसर ठीक निकला था, लेकिन उस बच्चे का था कि सर आपने ना ब्रैकेट नहीं यूज किया। तो उसकी बात मैंने मानी, समझी कि हाँ भाई सही बोल रहा है वो बच्चा कि नहीं, उसका हमें ब्रैकेट यूज करना चाहिए था। आंसर ठीक आ गया था, लेकिन वो मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन आप लोगों को तो नहीं पता ना कि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो। तो वही वाली बात है, इसलिए मैं कमेंट पर फोकस करता हूँ ताकि मुझे एक जेन्युइन फीडबैक मिल सके। अगर आप अच्छा कमेंट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, गंदा कमेंट करोगे तो उसे मैं सजेशन समझ के, फीडबैक समझ के उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।